एक्चुअली अब चलते हैं 224 200 रजत के पास से कि कमोडिटीज में आज एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या हो सकता है। रजत मौनी बताइए। जो बिल्कुल जोरदार तेजी कल के सत्र में क्रूड पे थी, आज वहीं पर ही फोकस होगा। ओपनिंग कैसे होती है और साथ साथ बेस मेटल्स कल इंटरनेशनल मार्केट पे और घरेलू बाजार में भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करके गए थे, तो दोनों ही कॉमोडिटीज यहाँ पर आज के सत्र में भी फोकस रहेगी। हालांकि जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं। कल सोने में भी ऊपरी स्तरों पर दबाव था, लगभग 500 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। इंटरनेशनल फ्रंट भी कमजोर है। देखिए एशियन मार्केट जो है वो 2016 की उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, शेयर बाजार अच्छी तेजी है, तो रिस्क ऑफ ट्रेड इसमें यहाँ पर रिस्क कैपेसिटी ट्रेडर्स की बढ़ती चली जा रही है। उसका असर है कि इक्विटी मार्केट्स में इन्फ्यूजन स्ट्रॉन्ग है, सोने चांदी पे ऊपरी स्तरों पर दबाव बन रहा है और यही पैटर्न अब कॉमोडिटी मार्केट पे प्ले हो रहा है। M6 गोल्ड तो टूटा ही, लेकिन सिल्वर जो कल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से एक अच्छी कॉमोडिटी निश्चित रूप से खरीदारी थी, वही पलट गई। ऊपरी स्तरों पर सिल्वर पे भी कल के सत्र पे दबाव बनता हुआ नजर आया। और US में जिस तरीके की जॉब रिपोर्ट्स आई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर, और उसने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जिससे गोल्ड से पैसा बाहर जाता हुआ नजर आया। लेकिन क्रूड इंटरनेशनल मार्केट पे कल 4.5% की मजबूती के साथ कामकाज हुआ। निश्चित रूप से साफ तौर पे खरीदारी बन रही थी, एक पुल बैक था, लेकिन आज जानना होगा कि ओपनिंग कैसे होती है इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की। और जो बेस मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें निकल, कॉपर, लेड, जिंक, इन सभी में ही कल के सत्र में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। तो कुछ ऐसी कॉमोडिटीज यहाँ पर आज ट्रेडर्स का फोकस होगा, वो होगी क्रूड, बेस मेटल्स और साथ साथ प्रेशियस मेटल्स। यहाँ पर आज देखना होगा कि क्या ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आता है। लेकिन एग्री कॉमोडिटीज का भी इम्पैक्ट देखना होगा, क्योंकि CPI महंगाई के आंकड़े हैं वो 22 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची CPI महंगाई दर। तो कहीं ना कहीं ये जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, जो पल्सेस प्राइसेस हैं, उस पर जो इजाफा आता हुआ नजर आया वो भी कहीं ना कहीं एग्री कॉमोडिटीज के लिए एक ट्रिगर जो है वो साफ तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मॉनसून आंकड़े बेहतर रहते हैं, और कल भी जो IMD का एस्टिमेट आया था उसमें ये बताया था कि अभी तक 12 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अब नॉर्मल मानसून है, 31% औसत से ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एग्री कॉमोडिटीज हो सकता है कि आज के सत्र में फिर से बस करती हुई नजर आए। लेकिन शेयर मार्केट्स आज बिल्कुल फ्लैट हैं, तो कहीं ना कहीं कॉमोडिटीज की तरफ हो सकता है कि रुझान ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। और बाजार के दो खास जानकार मेरे से जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। अजय बहेती एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल के, और साथ साथ तरुण सत्संगी साहब हेड रिसर्च ग्लोब कॉमोडिटीज के मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करूंगा कि यहाँ पर ओपनिंग कैसे रह सकती है आज की मार्केट्स पे। तरुण जी बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए, और अजय बहेती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है पहले वो टेक्स्ट में बता दूं, M6 क्रूड पे आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडर्स ने की हायर लेवल्स पे। नेचुरल गैस 0.1% के आसपास की गिरावट के साथ ओपन होता हुआ नजर आया, पलट गया मार्केट एकदम से। M6 गोल्ड जो है कल दबाव में था, 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, आज 100 रुपये की तेजी के साथ खुला है। और चांदी देखिए यही होता है, एक दिन की जो गिरावट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया सिल्वर ने। अच्छी तेजी पिछले कुछ दिनों में बनी थी, लेकिन कल के सत्र प्रॉफिट बुकिंग थी, आज ट्रेडर्स ने निश्चित रूप से पोजीशंस बना ली। 1% की तेजी के साथ सिल्वर खुलता हुआ नजर आया, और कॉपर 2% की तेजी। देखिए ये बेस मेटल्स बज कर रहे हैं, इस पे आप स्पेशली नजर रखें, 2% की तेजी के साथ कॉपर खुला है। निकल पे अब 1.5% से ज्यादा की तेजी होगी, 11 रुपये की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेड में 0.1% की स्ट्रेंथ, 126.65 का लेवल मौजूदा स्तरों पर देखने को मिल रहा है। तरुण जी सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स में बताएं सर, कल प्रॉफिट बुकिंग हुई थी लेकिन आज फिर से निचले स्तरों से खरीदारी है, कहां तक के टारगेट्स आज आप लेके चल रहे हैं गोल्ड पे और सिल्वर पे? हमारा ऐसा मानना है जो सेलिंग है गोल्ड में कंटिन्यू करेगा, एंड आई थिंक ऊपर की तरफ अगर 31,350-400 के प्राइस आते हैं तो काफी डिसेंट शॉर्ट बनेगा। हमको लगता है नियर टर्म में गोल्ड 30,800 तक आ सकता है। सिल्वर थोड़ा कम करेक्ट हुई क्योंकि हमने काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा है बेस मेटल्स में, रिस्की एसेट क्लास में, बट अगर गोल्ड में फॉल आएगा तो सर्टेनली सिल्वर में भी कुछ प्रेशर देखा जाएगा। जब तक सिल्वर 48,250 के ऊपर क्लोज नहीं देगा, हमारा ऐसा मानना है कि वन सेवन सिल्वर 47,000 जो कल नाइट में देखे गए थे एंड इवन 46,500 तक आ सकता है। राइट अजय जी, आपकी क्या कॉल है सर, सिल्वर पे क्या करना चाहिए आज के सत्र में? अब 470 रुपए की स्ट्रेंथ तो शुरुआती टिक्स में ही है, क्या ये तेजी भी और बढ़ेगी? सिल्वर देखिए, सिल्वर काफी दिनों से गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है सिल्वर की स्ट्रेंथ खास करके जारी रहेगी। सिल्वर इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी और पोजिशनल पर्सपेक्टिव भी, अभी भी जो बायर अप ट्रेंड है वो अभी भी मुझे लगता है इंटैक्ट है। मुझे लगता है जो भी डिप मिले खरीदारी करके चले, इंट्राडे सेशन में 47,600 के आसपास एक अच्छा खरीदारी का मौका रहेगा। अजय जी गोल्ड के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखी है अपने क्लाइंट्स को, क्या एडवाइस किया आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए पूछ रहा हूँ सर? आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो गोल्ड कल से अगर देखें तो प्रेशर में है। आज एक छोटे से पुल बैक के साथ मार्केट ऊपर जरूर खुला है, लेकिन मुझे लगता है एक बिकवाली का चांस बनेगा।
अपसाइड में 31,250 से 31,350 के बीच में काफी रेजिस्टेंस है मार्केट को, तो एक डिक्लाइन शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव कंटिन्यू रहना चाहिए। 31,250 के आसपास बेचकर चले, डाउनसाइड में 30,900 तक का लेवल देख सकते हैं। कल 4.5% की तेजी क्रूड पे देखने को मिली थी, इंटरनेशनल मार्केट पे, घरेलू बाजार पे भी 4% की तेजी थी। अरुण जी, स्ट्रैटेजी क्या रखी है क्रूड के लिए, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ले? आज कमजोर ओपनिंग है, लेकिन करना क्या चाहिए अब 31,20 के लेवल पे? क्या ये मौका यहाँ से शॉर्ट्स इनिशिएट कर देंगे आज के सत्र में? आई गेस जो रैली हमने कल ऑफसेट देखा है वो कंटिन्यू रहेगा और 50-80 पॉइंट का फर्दर रैली आना चाहिए। अगर टिप्स मिलता है क्लोज टू 3090 तो बाय किया जा सकता है, विद अ स्टॉप लॉस बिलो 3060 हमारे को इंट्राडे में 3180-3200 तक प्राइस आते हुए लगते हैं। अजय जी, आपकी कॉल क्या है M6 क्रूड पे, क्या आप भी मानते हैं बैंड डिप्स की मार्केट बनी, एक पुल बैक था, उसको एक पुल बैक की तरह प्ले कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए, या फिर आप मानते हैं तेजी भी और बढ़ेगी? सर जी, अभी अभी का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से तो इसे पुल बैक ही कहेंगे, लेकिन अगर आज की बात करें तो डेफिनेटली बाय साइड ही प्रेफर करना चाहिए। डाउन साइड में मुझे लगता है 3100 से 3060 ये जोन काफी अच्छा सपोर्ट है इस जोन में, तो अगर कोई डिप मिले 3100 की तरफ तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इंट्राडे परस्पेक्टिव से। अपसाइड में मुझे लगता है 3180 तक फिर से उछाल आना चाहिए। चलिए अब बेस मेटल्स का रुख करते हैं। तरुण जी, अब ये कॉल्स बताएं कि करके आज के दिन की रणनीति कॉपर पे और निकल पे क्या रखें? सर निकल में ओवर परफॉर्मेंस आएगा जिस तरीके से इंडोनेशिया ने अपने प्लांट शट किए हैं, एंड काफी अच्छा टेक्निकल 705 का रेजिस्टेंस था जिसको प्राइसेस ने ब्रेक किया है। आई जस्ट करंट मार्केट प्राइस पर भी बाय किया जा सकता है, और कोई डिक्लाइन आता है 705 के आसपास तो फर्दर एड किया जा सकता है, एंड इसमें 698 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हमको लगता है अगर 5-7 डेज कोई होल्ड करता है तो 750-780 के प्राइस आ सकते हैं इसके अंदर। अजय जी, आपकी कॉल जिंक पे, लेड पे, या फिर कोई और बेस मेटल जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि खरीदारी बढ़ रही है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से? सर मुझे लगता है सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर कॉल आज जो रहेगी वो कॉपर पे रहेगी। कॉपर ने ऑलरेडी लंदन मेटल एक्सचेंज के जो चार्ट है LME चार्ट से काफी मेजर ब्रेकआउट मिला है कॉपर में, तो मुझे लगता है पोजिशनली कॉपर डिप पे बाय करके चलना चाहिए। डाउन साइड में 332 के आसपास सपोर्ट काफी अच्छे है, तो 332 के आसपास एक पोजिशनल लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 326 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड में 340 से 344 तक का लेवल हम देख सकते हैं। तरुण जी, एग्री कॉमोडिटीज पे आज के सत्र के लिए क्या एडवाइस करेंगे, कौन सी एग्री कॉमोडिटीज जहां पर आपका बुलिश पोजीशन, जहां पर आप मानते हैं तेजी बनेगी, सर वो कोई एग्री कॉमोडिटी बताएं? आई गेस ग्वार पर ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा रैली इसके अंदर आ सकता है। टर्मरिक में थोड़ा रैली आ सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। दो मस्टर्ड वीकनेस शो कर रहा है, लेकिन अगर 30-40 पॉइंट्स का करेक्शन आएगा तो उसमें भी फर्दर बाय किया जा सकता है। ये तीन काउंटर ऐसे हैं जिसमें अगर 2-3 दिन के हिसाब से पोजीशन लिया जाए तो सर्टेनली प्रॉफिट होने का चांसेस हाई है। चलिए, ग्वार गम अब 3.5% की तेजी, और साथ साथ टर्मरिक में भी आपकी बाइंग की कॉल है। आपकी राय अजय जी, कौन सी कॉमोडिटीज रडार पर एग्री कॉमोडिटी स्पेस से? सर एग्री में अगर स्पेसिफिकली देखें तो मुझे लगता है जीरा, ग्वार और मस्टर्ड तीनों अभी भी काफी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, तो तीनों काउंटर में अगर टिप मिले तो बिल्कुल बाय करके चले। जीरा में ओवरऑल 19,500 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और लॉन्ग टर्म में 20,200 तक का लेवल भी देख सकते हैं। ग्वार की बात करें तो ग्वार ने ऑलरेडी एक टेक्निकली डबल बॉटम पैटर्न बनाया था जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे लगता है ग्वार की तेजी भी 3,900 से 4,200 तक कंटिन्यू हो सकती है, तो बिल्कुल डिप मिले तो बाय करके चलना चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं आज एग्री स्पेस में खरीदारी है, जीरा, ग्वारगम, ग्वारसीड, ये काउंटर्स जो ये एक्टिव हो रहे हैं। बेस मेटल्स की पोजीशन स्ट्रांग बन रही है, और प्रेशियस मेटल्स जहां पर कल के सत्र में दबाव था वहीं पर ही आज रिवर्सल है, और निचले से सोने और चांदी पे आज पोजीशंस प्लस की बनी है। कॉपर अगस्त वायदा खरीदारी की कॉल आई है, और ये है पोजिशनल कॉल मोतीलाल ओसवाल की, 332 के लेवल पे खरीदें, यानी कि डिप में आप ये खरीदें, रिस्क टू ऑर्डर रेशियो फेवर में रहेगा क्योंकि 326 का स्टॉप लॉस दिया जा रहा है और 344 के टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल मानते हैं कि कॉपर अगस्त वायदा में देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, सर अजय जी और तरुण जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए और कॉमोडिटी मार्केट पर अप्रोच करने के लिए। 11:27 पे फिर जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किशोर नाने जी से, मोतीलाल ओसवाल कॉमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर, की अब रखना क्या चाहिए स्ट्रैटेजी कॉमोडिटी मार्केट पर। साथ साथ कुणाल शाह साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे, नेबल बैंक से हेड रिसर्च, उनसे जानेंगे कि बुलियन पे अब यहाँ से और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, फंडामेंटल कैसे हैं जो प्राइसेस को आज के सत्र में सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आने वाले समय के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, और बेस मेटल्स पे स्पेशली व्यू बताएंगे आप। चलिए अब इक्विटी मार्केट का रुख करते हैं, और बिल्कुल फ्लैट आज जो ट्रेड है निफ्टी पे, इतने ज्यादा गेंस है ही नहीं, इनफैक्ट 2 अंकों का ड्रॉप दिखेगा आपको, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच शानदार है, स्पेशली ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो आज बाजार पर ड्राइव हो रहे हैं। इंडेक्स का टॉप कंट्रीब्यूटर है ONGC,
4% के गेन के साथ दिन के उच्चतम स्तर पे, और सुबह स्टॉक्स 550 की कॉल भी थे। बताया गया था कि ऑयल रिलेटेड स्टॉक जो बाजार पे एक्टिव होंगे, ओएनजीसी आज बाजार को आउट परफॉर्म कर गया। इसके अलावा बीएचईएल एक और स्टॉक जो 4% के गेन्स के साथ कामकाज कर रहे हैं, और मेटल स्टॉक्स में टाटा स्टील और हिंडालको, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं टॉप 4 कॉन्ट्रीब्यूटर्स इंडेक्स के, जहां पर आज तेजी है और ये बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन छोटे मझोले वाले स्टॉक्स कहां पर एक्टिव हैं वो देखते हैं स्मॉल कैप रडार में। आज का सुपर शेयर GIPCL, इस स्टॉक में जबरदस्त रिटर्न मिलते हुए नजर आया। निश्चित रूप से एकदम से एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि आज सुपर शेयर बताया गया था 9:30 बजे, आपको रोज बरोज एक शेयर बताया जाता है, यहाँ पर ट्रेडर्स बहुत एक्टिव होते हैं। और इनफैक्ट जो एक पोजिशनल तौर पे बताया जाता है, फंडामेंटल पिक होती है, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखिए आप टेक्निकली बहुत साउंड, अब 96 रुपए के लेवल्स को कोट कर रहे हैं, 7% की मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। न्यूलैंड लैब्स, जो लैब्स रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, न्यूलैंड लैब्स, ब्रुक्स लेबोरेटरीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स का फोकस स्ट्रॉन्ग है। न्यूलैंड लैब तो अब तक के उच्चतम स्तर को कोट किया आज के सत्र में, इस स्टॉक पर 7% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। जैकॉप 200 दिन की वीकली एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जैकॉप पे पोजीशंस काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जैसे कि जैकॉप, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के नतीजे आ जाने, तो ये दो स्टॉक्स जो आज बाजार में चेज हो रहे हैं। HOEC ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स, ONGC की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन एक्सप्लोरेशन कंपनियां जो है HOEC, डॉल्फिन ऑफशोर, ऑफशोर स्टॉक्स सिलान, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स के रडार पर हैं। रिलैक्सो फुटवेयर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़े राहत पैकेज की तैयारी कर रही है सरकार, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। रिलैक्सो, लिबर्टी, बाटा, ये स्टॉक्स आज चेज हुए। वीजा स्टील जो छोटी स्टील कंपनी है, मेटल कंपनी है, यहां पर ट्रेडर्स ने ग्रिप बनाई है आज। वीजा स्टील जिसमें प्रोमिनेंट है और अब 12% का रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये शानदार तेजी। वलेचा इंजीनियरिंग, इतना स्मार्ट पुल बैक है स्टॉक में, निश्चित रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है, 2% के आसपास दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे निश्चित रूप से पुल बैक देखेगा वलेचा इंजीनियरिंग पर। इंजीनियरिंग स्टॉक वैसे ही पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रांगली चेज हो चुके हैं। मेरे साथ इसमें आशीष केलकर साहब मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है मार्केट्स पे, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय है, या फिर आप मानते कोई डिप आए तो खरीद लेना चाहिए निफ्टी को, कौन से लेवल का वेट करें सर इस समय मार्केट्स पे, ये बताएं। रजत जी, अगर निफ्टी का चार्ट हम अच्छी तरह से देखते थे पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इस एक रैली आई है, तो यहाँ पे निफ्टी थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेगा। एक लेवल है जो मैं वॉच करूंगा वो है 8480। अगर हम इस लेवल के 8480 एक ऐसा लेवल है जो जहां पे निफ्टी आने के आगे टेस्ट करने की संभावना है, तो मैं मानता हूं कि हमें बुलिश ही रहना चाहिए। बेरिश व्यू अभी मेरा नहीं है निफ्टी के ऊपर, निफ्टी पे लॉन्ग रहूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा 7। राइट, ठीक है, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन 8480 आप मानते हैं ये लेवल टूटना मुश्किल है, इसी लेवल का वेट कर रहे हैं पोजीशंस बनाने के लिए। 8480 के आसपास आए तो बाजार पे दोबारा से पोजीशंस बनाई जा सकती है, तेजी की पोजीशंस ज्यादा बाजार पे कैरी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच सर, सबसे पहले तो ये स्टॉक्स बताएं, ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स जिस तरीके से एक्यूमुलेट है, लार्ज कैप में ONGC और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में HOEC, डॉल्फिन ऑफशोर, सिलान एक्सप्लोरेशन, इन पे आपके कमेंट्स। सबसे पहले हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। ये जो स्टॉक है ये बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, और ये जो रेंज है वो है करीबन 36 से लेके 41-50 के लेवल। अभी फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है 41 के लेवल पे, 40 रुपीज 90 पैसे के करीब ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिनके पास पोजिशन है वो होल्ड करें। 42 एक ऐसा लेवल होगा जिसको मैं वॉच करूंगा, 42 के ऊपर अगर ये स्टॉक वापस हमें मिलता है क्लोजिंग बेसिस पर तो यहाँ पे एड करने की सलाह होगी, तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें। दूसरा ONGC, अगर हम ONGC का चार्ट देखते हैं तो ONGC का चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जो है करीबन 236.5 का, जिसको आज अभी हम देख रहे हैं कि वो ब्रीच हो रहा है यहाँ पे। अगर ये 237-238 के ऊपर ये स्टॉक टिका रहता है ONGC, तो मैं मानता हूँ कि 245 तक आज ही के दिन में टेस्ट होता हुआ नजर आएगा, और 245 के ऊपर न्यूलैंड लैब्स का लगा और ब्रुक्स लेबोरेटरीज अभी अभी एक्टिव हुआ, 115 के लेवल पे पहुंच गया, आपके कमेंट्स। सबसे पहले ब्रुक्स लेबोरेटरीज, अगर हम इस स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो इसमें ये थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक नजर आता है, जिस तरह से आज इसमें उछाल आया है तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक का लक्ष्य
करीबन 124 का यहाँ से आगे भी ये स्टॉक उछल के जा सकता है। दूसरा स्टॉक आपने जो कहा वो कहा न्यूलैंड लेबोरेटरीज। न्यूलैंड लेबोरेटरीज की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से परफॉर्म कर रहा है, करीबन 500 रुपए से लेके अभी 1000 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस तरह से रैली आने के बाद और आज ये जो ट्रेड हुआ है, पिछले हफ्ते में दो दिन पहले इसने 921 का लाइफ टाइम हाई को तोड़ के ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है, तो मैं मानता हूं कि ये जो रैली है ये और कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक करेक्शन आएगा जो वापस करीबन 950 की लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आएगा। तो मैं मानता हूं कि जिनके पास होल्ड पोजिशन है वो होल्ड करें, 940 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पे भी खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। जैकॉप वीकली चार्ट्स पे अब इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आ रहा है सर ये स्टॉक, आपकी राय क्या है जैकॉप पे, क्या ये तेजी अभी और बढ़ती देखते हैं, क्योंकि अभी पहुंच गया ये 82 के लेवल के पार, यानी कि 6.5% के रिटर्न इंट्राडे बेसिस पे, क्या करना चाहिए स्टॉक पे? वीकली चार्ट अगर हम एनालाइज करते हैं रजत जी, तो 82 का लेवल ये आपने जैसे सही फरमाया कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था, हमें ये के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 82 तो जो रैली आएगा वो करीबन 96 के लेवल तक जाने की संभावना है। चलिए कुछ ऐसी स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। अंचल मेरे सहयोगी मौजूद हैं, अंचल बताएं आज का पहला स्टॉक जो ब्रोकिंग हाउस के रडार पे है। शुक्रिया, आज के लिए पहला स्टॉक रहेगा वंडरला हॉलीडेज का। देखिए कंपनी के लिए Q1 और Q2 हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहे हैं, लेकिन आज इसको पिक करने की दो तीन और वजहें हैं। पहले तो कंपनी के Q4 नतीजे, शानदार Q4 नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। कंपनी का Q4 में मुनाफा करीब 15% बढ़ा था, तो ये ऑपरेटिंग मुनाफा करीब करीब 35% बढ़ा था। मार्जिन में भी लगातार 2 से 3 तिमाहियों से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ज़्यादा कोई बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तिमाही दर तिमाही, लेकिन फिर भी अगर आप इसे कंपेयर करें पिछले साल के कंपेरिजन में तो मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं और आगे भी, क्योंकि Q1 FY17 और Q2 FY17 एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है कंपनी के लिए, तो जो मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री है वो जारी रहने का अनुमान है। कंपनी की वैल्यूएशन एक और बड़ा ट्रिगर है इसको आज चूज करने के लिए। कंपनी की वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है, मौजूदा कैश ईपीएस करीब करीब 11.5-10 रुपये की है, तो वहीं FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस 15 रुपये और पी मल्टीपल महज 9.7 टाइम्स, यानी बेहद सस्ते दरों पे शेयर अवेलेबल है। सेक्टर में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर कामकाज कर रहा है और एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी है और एक्सपेक्टेड भी है। ये सब देखते हुए आनंद राठी मानता है वंडरला हॉलीडेज में खरीदारी करके चलिए, आपका टारगेट 448 का रहेगा। चलिए वंडरला हॉलीडेज पहला स्टॉक, 448 का टारगेट, इस पे फेयर वैल्यू समझते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं मौजूदा स्तरों पे। दूसरा स्टॉक बताएं अंचल। दूसरा स्टॉक आज के लिए रहेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया का। देखिए फार्मा कारोबार की कंपनी है, एक अच्छा रन अप ऑलरेडी दिखा चुकी है और यहाँ से और इंप्रूवमेंट आती हुई दिखेगी कंपनी के शेयर प्राइस में। पहले Q4 नंबर्स की बात कर लेते हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा 70% बढ़ा, तो वहीं कंपनी की बॉटम लाइन भी करीब करीब 50% इंक्रीज होते हुए दिखी। साथ ही साथ ब्याज लागत कंपनी की 13% घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एज सच कंपनी पे उतना हैवी इंटरेस्ट पेमेंट है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरेस्ट कॉस्ट का और रिड्यूस होना कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत प्रेशर है उसे भी ईज आउट कर देता है। साथ ही साथ लगातार कंपनी की जो फाइलिंग पाइपलाइन है काफ़ी स्ट्रांग है, एक अच्छी प्रोडक्ट पाइपलाइन है कंपनी की, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कंपनी लगातार लॉन्च करती रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में अब इसकी सेल्स इंप्रूव होती हुई दिख रही है, तो एक्सपोर्ट आय जो है वो इंप्रूव हो रही है, आपका डॉलर में मजबूती का सीधा फायदा कंपनी को आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ एक आकर्षक वैल्यूएशन पे शेयर है, करीब 6 रुपये की कैश ईपीएस है और FY17 के लिए अनुमानित ईपीएस करीब 7.5 रुपये और पी मल्टीपल 19 का। यानी देखिए पी मल्टीपल आप कहेंगे कि महंगा है, लेकिन अगर आप इसे सेक्टर से कंपेयर करें तो अभी भी स्पेस बाकी है, सेक्टर करीब 25-26 के मल्टीपल में ट्रेड करता है, तो यहाँ से एक अपसाइड और दिखता है। इसीलिए निर्मल मांग मानता है कि आप खरीदारी करिए ग्रैन्यूल्स इंडिया में 152 के टारगेट के लिए। चलिए वंडरला और साथ साथ ग्रैन्यूल्स, ये दो स्टॉक हैं जो ब्रोकिंग हाउसेस रडार पर है और जहाँ पर अच्छी तेजी आने वाले समय के लिए बन सकती है। फंडामेंटल पिक्स बताई जा रही है आपको, ग्रैन्यूल्स और वंडरला आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा रखेंगे तो बेहतर कमाई की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आपके रडार पर आशीष जी कौन से दो स्टॉक्स हैं सर जहाँ पर आप समझते हैं बाजार की तेजी में फायदा उठाया जा सकते हैं, जहाँ तेजी बढ़ेगी? पहला स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा हेडलबर्ग सीमेंट, इसके लिए स्टॉप लॉस होगा 117.50 रुपीज का और लक्ष्य जो दिखाई दे रहा है वो है 132 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है बाटा इंडिया, बाटा में स्टॉप लॉस 572 का मैं रिकमेंड करूंगा और टारगेट जो है 605 रुपए का। चलिए ये जो बाटा के बारे में आपने बात की, आज तेजी है फुटवेयर सेक्टर में क्योंकि एक बहुत बड़े राहत पैकेज की अनाउंसमेंट हो सकती है, ऐसे बाजार पे एक्सपेक्टेशन है। 605 का टारगेट आप बाटा पे देख रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक देखिए रिलैक्सो, क्या लगता है ये तेजी भी और पकड़ सकता है, टेक्निकल तौर पे कैसा लग रहा है? टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो आज ये स्टॉक करीबन 512-513 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। 510 एक ऐसा लेवल था जिसको इसने अभी अभी तोड़ा है।
अब मैं मानता हूं कि 527 तक ये स्टॉक जाने की संभावना है, 527 पे इस स्टॉक को थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और 527 का फिलहाल अगले एक या दो दिनों में टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। 527 तोड़ता है तो सीधा 550 तक ये स्टॉक जाने की संभावना है। आईटीआई स्टॉक देखते हैं, कैबिनेट में कंपनी को बंद करने पर फैसला हो सकता है और एसेट बिक्री पर भी फैसला हो सकता है। एकदम से स्टॉक प्राइस पे एस्केलेशन है, 7.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और एनबीसीसी 15% हिस्सा बिक्री के विचार पर कैबिनेट विचार करेगी। कैबिनेट में हिस्सा बिक्री के ऊपर कुछ फैसला जरूर हो सकता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। एनबीसीसी पे एकदम से ड्रॉप, लेकिन आईटीआई दिन के उच्चतम स्तर पर एसेट बिक्री होती है या फिर कंपनी को बंद करने पर फैसला होता है तो वो एक तगड़ी खबर यहां पर इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिली है। और इनफैक्ट 7% के आसपास की तेजी, कैबिनेट में 15% हिस्सा बिक्री के प्रस्ताव पर विचार संभव है। एनबीसीसी जो पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ रहा था 4% के ड्रॉप के साथ, इनफैक्ट मैनेजमेंट मेरे साथ जुड़ी थी, मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या सर ये सही मौका है एनबीसीसी में, यहां पर सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इस कंपनी को रडार पर रखने का कोई कमेंट्स नहीं थे, लेकिन फिलहाल ऐसी अब फिनमैन ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि 15% हिस्सा बिक्री पर विचार हो सकता है कैबिनेट बैठक में। एनबीसीसी डे लो पे लगातार चढ़ता स्टॉक, आशीष जी आपके कमेंट्स, एनबीसीसी फिसला भी तो कहां तक के डाउन साइड एक्सपेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई पिछले कुछ दिनों में। एनबीसीसी का चार्ट अगर हम देखते हैं तो करीबन 185 से लेके ये 257 तक ये स्टॉक चढ़ा था, अभी करीबन 246 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूँ कि ये जो स्टॉक है ये नीचे अगर आने की, ये जो करेक्शन है ये करीबन 227 तक आने की संभावना है, तो जिनके पास पोजीशन है वो अभी भी होल्ड रखे, पैनिक ना हो। अगर 227 के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो ही इसमें थोड़ा और बेरिशनेस आएगा, तब तक होल्ड करना चाहिए, ये मेरी सलाह होगी। कि पैनिक होने वाली बात भी नहीं है क्योंकि किस भाव पे होता है डिसइन्वेस्टमेंट वो तो अभी आया ही नहीं, तो अभी एक अच्छी खासी तेजी है इस समय, इन्वेस्टर्स बुलिश एनबीसीसी को लेकर, तो उतना पैनिक रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। आईटीआई पे क्या करें सर, ये स्टॉक 7-8% के गेन शो कर रहा है, हिस्सा बिक्री या फिर कंपनी को बंद करने पर अगर कोई फैसला होता है तो उसका इंपैक्ट पहले ही बाजार ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 31 रुपए के लेवल पे आईटीआई क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से? इस स्टॉक को अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए, ये तो मोमेंटम आया है, 32 रुपीज 20 पैसे तक जाने की संभावना है, लेकिन 32 रुपीज 20 पैसे के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की मेरी सलाह होगी। चलिए अब कुछ स्टॉक्स बैक टू बैक मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले बताएं HOV सर्विसेज, ये स्टॉक कैसा लग रहा है चार्ट पे? आज एक स्मार्ट पुल बैक दिया 121 के लेवल पे, क्या करें? HOV सर्विसेज सर फिलहाल 121 के लेवल पे है, 5.5% की तेजी, HOV सर्विसेज दिन के उच्चतम स्तर पे और आज बहुत स्मार्टली पुल बैक दिया, आज के दिन का जो लो है वो 110 रुपए का, फिलहाल 121 रुपए पे काम काज कर रहे हैं। ओके, इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक अभी भी एक अच्छे खासे बुलिश मतलब बुल्स के ग्रिप में है, तो ये स्टॉक कंटिन्यू करना चाहिए इस जो रैली अभी आई है इसमें, और ये जो स्टॉक है इसका अगला लेवल जो है वो रहेगा करीबन 142.5 का। चलिए एक बड़ी खबर जो आज रूल कर रही है वो ईडी ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया, कल दिन भर पूछताछ के बाद जिग्नेश शाह गिरफ्तार हुए, एनएसएल घोटाले में जिग्नेश शाह की गिरफ्तारी हुई और ये इनफैक्ट जो आरोप लगाया गया वो ये था कि जिग्नेश शाह पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सबूत मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी को, और उस लिहाज से उस आधार पर जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया गया है। आज जिग्नेश शाह की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। मेरे साथ तरुण शर्मा मेरे सहयोगी मौजूद है, तरुण बताएं कि लेटेस्ट अपडेट्स इस केस के बारे में। बिल्कुल, कल जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया गया था और आज सेकंड हाफ में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अगले 5 दिन तक पुलिस कस्टडी मांगेगा और जिसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस कस्टडी में किया जाएगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो ये देखने की होगी कि रिमांड कॉपी में क्या किस बेसिस पे जो गिरफ्तारी हुई है वो रिमांड कॉपी में बताया जाएगा, और जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक बड़े सबूत मिले हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, देश से बाहर पैसा भिजवाने के, उसी चीज को यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और अगले 5 दिन तक की रिमांड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मांगेगा। लेकिन तरुण, एफटीआईएल ने इस मसले पर बोला भी है कि ईडी ने काफी कड़ा रुख अपनाया है, जिग्नेश शाह ने सहयोग किया उसके बावजूद इस तरीके का कड़ा रुख अपनाया गया, इस पर कुछ क्लैरिटी और आ पाई है? ये कंपनी का स्टैंड हो सकता है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, क्योंकि 11 तारीख को उनको पीएमएलए कोर्ट में बुलाया गया था, उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे मांगा था कि वो
कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, ये एक बड़ा नेगेटिव जिग्नेश शाह के खिलाफ गया और 18 जुलाई को नेक्स्ट हेयरिंग थी। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पिछले 2.5 साल से इस केस पे काम कर रहा है और आज जो कल शाम को उनको गिरफ्तार किया गया, तो लिहाजा उन्होंने एक बड़ा बैकग्राउंड तैयार कर रखा है, एक प्रॉपर होमवर्क कर रखा है, उसके बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया। तो लिहाजा जो कंपनी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरीके का कॉर्पोरेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जिग्नेश शाह से चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से उनको कल गिरफ्तार किया। चलिए बहुत शुक्रिया अतरुण आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर पे अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और स्टॉक्स का रुख करते हैं जो एकदम एक्टिव है मार्केट्स पे आज। वीजा स्टील, ये स्टॉक काफी एक्टिव होता हुआ नजर आया और पिछले कुछ आधे घंटे में जो एक्टिव हुआ स्टॉक वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। आशीष जी, वीजा स्टील और साथ ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट दोनों में से अगर आज के लिए कोई ट्रेड लेना हो तो कौन सा ट्रेड आप सजेस्ट करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दोनों स्टॉक्स डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं सर अभी तक। सबसे पहले वीजा स्टील के ऊपर बात करते हैं। वीजा स्टील ये जो स्टॉक है वो करीबन अभी ट्रेड कर रहा है 19.60 रुपए के लेवल पे। और ये स्टॉक का अगर फॉर्मेशन हम देखते हैं तो इस स्टॉक के ऊपर अभी अगला जो लेवल मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 21.20 रुपए का। तो मैं मानता हूँ यहाँ से भी एक अपसाइड यहाँ पे ओपन है, तो जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें, लेकिन नई निवेश करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि जो स्टॉप लॉस बनते आ रहा है स्टॉक चार्ट के ऊपर वो थोड़ा डीप डाउन है करीबन 70.50 रुपए का। तो नया निवेश नहीं होना चाहिए, जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करके रखना चाहिए टारगेट ऑफ 21.20 का। दूसरा स्टॉक आपने कहा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अगर जी सर संक्षेप में सर ये जो स्टॉक है इसको अगर हम देखते हैं तो 192 का एक लेवल है जहां पे ये स्टॉक ट्रेड टेस्ट करता हुआ नजर आने की संभावना है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, इमीडिएटली नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, ट्रेडिंग कॉल शेयर करने के लिए।